Hello students, so today I am going to recite a new poem. This poem belongs to standard 5 from medical book, and in this lesson today we will explain its Hindi explanation as well with question answers and other vocabularies and everything. So the poem name is The Lazy Frog. It is in unit 5. So let's start reciting this poem with its Hindi meaning. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do you do? Would you behave a little like the frog in the following poem? So here in this poem, it is asking that जब आपका स्कूल का दिन होता है तो उस समय आप पढ़ने में, खेलने में और दोस्तों से बात करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी छुट्टी होती है तो आप क्या करते हैं? Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या बिल्कुल आप वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि इस कविता में मेढक? तो ये मेढक कैसे बिहेव करता है उसके बारे में हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट दिस पोयम इज सेइंग. So in this poem, Freddy is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. Fred जो है एक बहुत ही आलसी मेढक होता है और दिन भर वो एक लकड़ी के लट्ठे पे सोया रहता है. He always manages to shirk. वो हमेशा काम से बचते रहना का उपाय ढूंढते रहता है. Doing a single stroke of work. कोई भी काम नहीं करना चाहता है, हमेशा हर काम से जी चुराने का वो कोशिश करता रहता है. His poor old mother calls in vain. और जब उसकी माँ कभी जरूरत पड़ने पर बुलाती है, come in and help, he does not bother. चलो अंदर आओ और मेरी सहायता करो, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं होता है. To move 2 inches, वो 2 inch भी घूमने की हिम्मत नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है. Much preferring to be extremely hard of hearing. मतलब कि जब उसकी मम्मी उसे हेल्प करने के लिए बुलाती है तो वह बिल्कुल कुछ भी नहीं करता है और वो बहाना बनाता है, ऐसे नाटक करता है जैसे मानो कि उसने कुछ सुना ही नहीं. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप. वो वहाँ पर जो है एक साइलेंट हीप, एक ढेर पे जाके चुपचाप बैठ सोया हुआ रहता है, एकदम आराम से गहरी नींद में सोया रहता है. इफ अ लेडी फ्रॉग hops past, you would think he would get up at last. अगर कोई लेडी फ्रॉग उसके बगल से होकर गुजरे तो आप सोचोगे कि जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाएगा. टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए, उसके सामने झुकने के लिए, एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उसके रास्ते में उसकी मदद करने के लिए. बट नो, आई एम सेम टू से डैट वेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाई ही डज नॉट ओपन अप वन आई. लेकिन मुझे ये बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कभी कहते हैं कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कहते हुए कि वो मेढक, अगर कोई लेडी फ्रॉग भी उधर से होकर जाती है तो वो बिल्कुल अपनी आंखें नहीं खोलता है. ठीक है, तो ये एनोनाइमस यानी कि इसके जो कहीं से लिए गए हैं किसी बुक वगैरह से. इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है उसके बारे में जानते हैं. लॉल, लॉल का मतलब होता है टू लाई अराउंड लेजली, कहीं आराम से लेटे रहना, परे रहना. लॉग, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा. ट्रंक ऑफ ए ट्री डैट हैज़ बीन कट, वो जो ढर बच जाता है पेड़ को काटने के बाद नीचे वाला पार्ट, उसी को लॉग बोलता है. सर्क का मतलब होता है टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, कुछ काम जो आपको करना चाहिए लेकिन आप उसे नहीं करते हैं तो उसको सर्क, यानी कि काम से बचते रहने को सर्क कहते हैं. इन वेन मतलब यूजलेसली, कभी ऐसे ही जरूरत पड़ने पर, व्यर्थ ही ऐसे ही कभी जरूरत हुआ तो. प्रेफर मतलब पसंद करता है. हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि जस्ट बहरे बन जाना. और वो मतलब झुकना, टू बेंड योर हेड टू शो रेस्पेक्ट, अपना सर झुकाना अपना रेस्पेक्ट दिखाने के लिए किसी के सामने. तो आप यहाँ देखिए, ये मेढक का पिक्चर है यहाँ पे, ये आप इसको देख सकते हैं, यही मेढक है जो ऐसे बदमाशी करते रहता है. तो आपको ये कविता कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए. लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको इस पोएम की कुछ क्वेश्चन आंसर्स है. व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे? The frog was loll all day on a log. ठीक है, यानी लकड़ी के लट्ठे पे वो दिन भर lazily पड़ रहता था. Besides lazy, what other word can you think of to describe the frog?
देखिए इस पोयम में ही एक वर्ड है जिसको सर्क बोलते हैं। सर्क का मतलब होता है काम से बचना, सर्कट यानी काम से बचने वाला। तो लेजी के अलावे आप उसको सर्कट बोल सकते हैं, उसके बाद उसको डल बोल सकते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स है। अच्छा इसमें है कंप्लीट द सेंटेंस विद रेफरेंस टू द पोयम। व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू बी अ डीफ। या फिर इसमें जो पोयम में दिया गया है वही कर दीजिए। क्या करता है वो? प्रिटेंडेड टू बी कम इन एंड हेल्प, ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 inches एंड मच प्रेफरिंग टू, यहाँ ये लाइन लिखेंगे, टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग या टू बी अ डीफ। इस पर अपनी मर्जी से लिखना है तो टू बी अ डीफ या टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग आप लिख सकते हैं अगर बुक से लिखना है तो। वेन अ लेडी फ्रॉग हॉप्स बाई ही डज नॉट इवन, क्या करता है अगर कोई लेडी फ्रॉग्स उधर से होके गुजरती है तो वो क्या करता है? ही डज नॉट ओपन अप वन आई, मतलब वो आंखें नहीं खोलता है। ये क्वेश्चन आंसर थे। इसमें है रेफर टू द पोएम एंड अंडरस्टैंड द फ्रॉग लव टू लेज एंड लाई अराउंड ऑल डे, ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल। नाउ मेक ट्रू सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ सेंटेंसेस बनाना है। जैसे कि आप क्या करते हैं, राइट अबाउट द पीपल यू लाइक, अ गेम यू प्ले, अ हॉबी, अ हैबिट यू हैव, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लोज। तो देखिए आई लव टू प्ले, आई लाइक टू सिंग, आई डोंट माइंड इफ समवन मेकिंग फन ऑफ मी, मेक्स फन ऑफ मी, आई डोंट लाइक टू वंडर हेयर एंड दे आर यूजलेसली, आई हेट ईटिंग चाउमीन। तो इस तरह से आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या ना पसंद करते हैं, उस तरह से अपनी मर्जी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे एक इस तरह से जो है एक राइमिंग वर्ड्स बनाया गया, लॉग फ्रॉग डॉग, सड़क वर्क मर्क, वेन डेन क्रेन, प्रीफरिंग हियरिंग वंडरिंग, ठीक है, या स्क्रीमिंग उससे बेहतर होगा, हीप कीप, ठीक है, जीप पास्ट लास्ट वास्ट वे से हे, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसमें सारे कवर किए गए हैं। आप जाते जाते कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आपको आगामी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है बच्चों। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।